हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ है। ये सोमवार सुबह सैज घाटी में एक बस खाई में गिर गई है। बस में कुल 45 लोग सवार बताए जा रहे हैं। इसमें से 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह ये हादसा हुआ है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 5 से 6 और शव बस के नीचे फंसे हुए हैं। बता दें, बस में कुछ बच्चे भी मौजूद थे जो कि स्कूल जा रहे थे। ये प्राइवेट बस रास्ते में गुजरते हुए सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। ये बस सैज घाटी के शेषर से सैज की ओर आ रही थी। उसी दौरान जंगला नामक जगह पर कैंची मोड़ में ये बस सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और वहीं मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। और अब इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। वह बोले कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदन शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूरा प्रशासन मौके पर है और बचाव कार्य में लगा हुआ है। और दोस्तों, आपको आगे ये भी बता दें कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को प्रधानमंत्री ने राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। वहीं जख्मी लोगों को 50,000 रुपए की मदद मिलेगी।